हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम बुक का चैप्टर नंबर 6, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट होता है माहिर, मतलब किसी भी काम में जो करने में पारंगत होता है, और डिटेक्टिव्स होते हैं जासूस, यानी कि माहिर जासूस। आपको पता है ये जासूस कौन है? ये जासूस हैं दो छोटे छोटे बच्चे। जी हाँ, एक बच्चा 7 ईयर्स का है, 7 साल का है, और एक है 10 ईयर्स के। तो देखते हैं वो क्या जासूसी करते हैं। बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। निशा, अ बॉय ऑफ 7, आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निशात एक 7 साल का लड़का है, उसे 7 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे संगीत में, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, ठीक है, तो जो उसका नाम का मतलब है ना निशात, वो 7th नोट है, मतलब 7वां सुर है उसके नाम का मतलब। एंड हिज 10 ईयर्स ओल्ड सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और जो उसकी बड़ी बहन है, उसका नाम है माया, जो कि है 10 साल की, वो बहुत जानने के इच्छुक है मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इन टू द मिस्टर नाथ रूम। एक दिन क्या होता है, उन बच्चों के मार्बल होते हैं कंचे, ठीक है, जो छोटे छोटे कंचे होते हैं ना गोल गोल, वो मिस्टर नाथ के रूम में गिर जाते हैं। एंड निशात गेट अ चांस टू सी हिम, और निशात को ये चांस लगता है कि वो उसमें झांके। इज ही अ क्रुक ऑन द रन, क्या वो एक अपराधी है जो भागा हुआ है? वाई इज फेस बैडली स्केर्ड, उसके फेस पे इतने सारे मार्क्स क्यों हैं, मतलब निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड, उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं है? निशात मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। निशात की जो मदर है ना, वो डॉक्टर है, और वो मिस्टर नाथ को जानती हैं एज अ पेशेंट, क्योंकि जो मिस्टर नाथ है वो उनके पेशेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। एज वी वॉक टूवर्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। जब हम वापस आ रहे थे क्लिनिक से, तो 7 ने कहा, 7 कौन है, जो निषाद है, ठीक है, उसका दूसरा नाम 7 है, कि वो मॉन्स्टर जैसा तो नहीं लगता माया, तुमने देखा वो कितना पतला है, वो बहुत गरीब हो सकता है जो कि खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियन ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। वो कहती है माया कि वो गरीब नहीं हो सकता, वो एक भागा हुआ अपराधी है, क्रूक है, और मैंने उसे कहा मतलब माया ने कहा, उसके पास हजारों लाखों रुपए होंगे जो कि उसने अपने रूम में कहीं छिपा रखे होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन, निशात लुक डाउटफुल, वो कहते हैं वो ऐसा तो नहीं दिखता माया, तो वो कुछ थोड़ा डाउटफुल होता है। ऑफकोर्स ही इज 1-7 आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मेल अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। तो माया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल 7, वो भागा हुआ अपराधी है, वो नहीं तो मर नहीं जाता भूख से। मिस्टर मेहता बता रहे थे कि जो रमेश है वो नीचे से रोज उसके लिए डाउनस्टेयर पे, मतलब नीचे एक रेस्टोरेंट है जिसमें से रोज उसके लिए खाना लेके आता है। अब ये दोनों भाई बहन हैं, ये हमारा निषाद है और ये है उसकी सिस्टर माया है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर द फूड, निषाद से। निषाद कहता है कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता तो कह रहे थे कि जो मिस्टर नाथ है वो कहीं काम नहीं करते, तो उनके पास पैसे कैसे आ सकते हैं फूड का, मतलब जो खाना वो मंगवाते हैं उसका पैसा देने के लिए। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। वो कहती है माया एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ कि उसके पास बहुत पैसा है, उसने कहीं छिपा के रखा है, हो सकता है उसके रूम में कोई एक ट्रंक हो जिसमें बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात बने हों। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्ट, निशाद बीच में उसकी बात को कहता है, क्या बेकार की फालतू बातें करती हो, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम बाय द वे 7, डिड यू सी हिज कार्स, आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट He got them during a shootout with the police or something. वो कहती है स्टूपिड चुप, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ,
लेकिन क्योंकि उसके फेस पे नहीं तो इतने मार्क्स क्यों हैं, जो स्कार्स हैं, निशान हैं, वो क्यों हैं, वो क्यों, मैं तो उसे देख नहीं पाई थी अंधेरे में, बट ये ज़रूर क्या हुआ होगा, उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई होगी और पुलिस ने उसे शूट आउट किया होगा, तो उससे बचने बचाने में लग गए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देन दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। निषाद ने बड़े आराम से कहा कि मम्मी कह रही थी कि ये तो उसके जले के निशान हैं। Perhaps the police had to satisfy on the house to force him out, I suggested, Seven looked unsure. तो फिर माया कहती है हो सकता है पुलिस ने उसका घर जलाया हो और वो उसमें से भागा हो उसे निकालने के लिए, तो उसकी वजह से उसके निशान हो, तो ये लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to clinic at Girgaon as I was spending the evening with the school friend. क्योंकि मंडे की मॉर्निंग को जो मेरी मम्मी का बर्थडे आने वाला था, तो सेवन जो है अपनी मम्मी के साथ, मतलब मेरी मम्मी के साथ, यहाँ पे माया बता रही है वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ गया था, क्लिनिक गया था गिरगांव में, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ रुकना था शाम को, तो मैं वहीं थी। व्हेन दे रिटर्न निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। तो शाम को जब वो वापस आए तो निशाद ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ को देखने गए थे और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्स अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। जो सेवन है वो थोड़ा अपसेट था मिस्टर नाथ की अपीयरेंस के बारे में। गॉन्ट मतलब होता है बेटा सिकली, मतलब बीमार जैसा दिखने वाला इंसान, ठीक है। और उसे वो इस बात पे श्योर था सेवन कि वो ज़रूर भूखा होगा, भूख से मतलब इतना बीमार दिख रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सैड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया था कि उसने मिस्टर नाथ का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से नॉक किया था और बोला था कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलो जल्दी। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट एनी अदर मार्बल। तो जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा क्या तुम्हारा फिर कहीं कंचक हो गया। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज बाय मदर माय ब्रदर। तो हाँ वो पहचान गया था मेरे भाई को। नो सेड निषाद, ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। लेकिन निषाद ने क्या कहा, निषाद ने कहा नहीं, और उसने क्या किया, उसके आदमी के हाथ में एक चॉकलेट पकड़ा दी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. अब माया कहती है कि जो सेवन, क्या तुम्हें मौका मिला था उसके ट्रंक में झांकने का, पीक मतलब होता है झांकना। निषाद looked disappointed. He hadn't even asked me and he said, then he smiled. But I did find out something, माया। वो कहता है निषाद थोड़ा disappointed हो जाता है, वो कहता है नहीं मुझे ऐसा मौका तो नहीं मिला, थोड़ा फिर मुस्कुराता है, कहता है पर मुझे कुछ और मिला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पे रमेश काम करता है और मैंने उससे वहाँ पे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। फिर वो कहती है माया वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव जासूस, तुम मतलब बहुत, मतलब उसे शाबाशी देती है, उसकी पेट थपथपाती है, पैटिंग मतलब पेट थपथपाना, ठीक है। मुझे लगता है, मुझे आशा तुमने सही से क्वेश्चन पूछे होंगे। सेवन लुक प्लीज, सेवन को बड़ी मतलब खुशी होती है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश मुझे बता रहा था कि वो उसके लिए, मिस्टर नाथ के लिए दो बार खाना लेके जाता है, एक तो सुबह और एक शाम को, एंड टू कप ऑफ टी, और दो कप चाय लेके जाता है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक तो सुबह और एक दोपहर में। रमेश इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट। रमेश कहता है कि वो इतना पर्टिकुलर नहीं है खाने के बारे में। ही इज़ ऑलवेज द सेम फूड, टू चपाती सम दाल एंड वेजिटेबल, मतलब कि वो रोज़ एक ही खाना खाता है, दो चपाती और दाल और सब्जी, बस यही खाता है। और मिस्टर नाथ उसे क्या देते हैं, कैश देते हैं और टिप देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, फिर कहता है रमेश ने मुझे बहुत एक अजीब सी बात बताई है माया। फिर ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम। वो कहता है कि रमेश बता रहा था कि हर संडे को वो दो लंच लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और एक आदमी हर बार हर संडे को उसके रूम में होता है। वो लंबा और सुन मतलब गोरा चिट्टा, और क्या पहनता है, चश्मा पहनता है। और रमेश बता रहा था कि जो विजिटर है, जो मिस्टर नाथ के कमरे में आता है हर संडे को, वो बहुत बोलता है, जबकि मिस्टर नाथ तो बहुत कम बोलते हैं।
वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। अब माया कहती है बहुत अच्छी बात है निषाद, तुमने बहुत अच्छी इंक्वायरी की है, तुमने एक अच्छे डिटेक्टिव के सारी खूबियाँ हैं, तो हम इस बारे में पता करेंगे और उस ग्रुप को, उस अपराधी को पकड़ेंगे, मतलब उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइटेड, सो हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। अब सेवन है वो कहता है तुम कैसे करोगी माया, तुम कैसे ये इमेजिन कर सकती हो कि वो एक अपराधी है, वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा आम सा आदमी है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड। अब माया कहती है जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखते हैं, तुमने देखा नहीं है हैदराबादी हाउसकीपर को, जो हैदराबादी में एक जिसने घर तोड़ा था, हाउस ब्रेकर को जिसने घर तोड़ा था, जो कि कल न्यूज़ में आया था, वो क्या वो एक आम आदमी की तरह लगता था जो कि गली में रहता था। अब निषाद जो है भाई और ज़्यादा डाउटफुल हो गया। द मानसून ब्रेक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स कंपेयरिंग बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग लाउड रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल द फर्नी ऑल देयर फरी फोल्डिंग सॉरी फ्लडिंग द स्ट्रीट विद अ हैवी डाउनपोर। अब क्या होता है, अगले सवेरे मानसूनस मतलब बादल आ जाते हैं, काले काले बादल होते हैं, बिजलियाँ चमक रही होती हैं, बारिश हो रही होती है, ठीक है, जिससे क्या क्या होता है, बारिश ज़्यादा होने से फ्लड की सिचुएशन, मतलब जैसे होता है ना पानी भर जाना, गली में पानी भर जाता है। अब स्कूल जो है क्या हो जाता है, स्कूल खुलने थे समर हॉलीडेज़ के बाद, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था इस वजह से अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई। कई बार जैसे आपका होता है ना कि छुट्टी नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसी बात हो जाती है कि छुट्टी कर दी जाती है, तो वो चीज़ उनकी छुट्टी कर दी गई। आई थॉट आई हैड स्पेंड सम टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद द शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। अब क्या होता है, माया जो है वो सोचती है कि मुझे कुछ देर बिताना चाहिए और ढंग के काम में बिताना चाहिए, वो अपने क्या करती है, अपने बेडरूम में बैठ जाती है, अपने डेस्क पे बैठ जाती है, एक शीट ले लेती है और अपने आगे रख लेती है। अब जैसे यहाँ पिक्चर में बना हुआ है, ठीक है, आई रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर। अब उसने क्या किया, माया ने एक पेपर पे लिखना शुरू किया, कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित। अब इन्होंने अपने आप को यहाँ पर डिटेक्टिव लिख लिया और अपना नाम क्या लिख दिया, जो उनका नाम है निषाद एंड माया पंडित। आगे बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, अपॉइंटमेंट किससे, पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, फिर उसने लिखना शुरू कर दिया और आधे घंटे बाद वो सेवन की तरफ मुड़ती है, जो कि कहाँ लेटा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, अपने चिन के मतलब दोनों हाथों से अपनी गालों पे रखे हुए, ठीक है, बुक को पकड़े हुए और क्या पढ़ रहा है, कॉमिक पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन आई आस्ट। अब माया कहती है क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? अब वो कहती है, मतलब उसे क्वेश्चन लिखी पूछती है क्या तुम सुनना चाहोगे, फिर कहती है मैंने ना सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए मिस्टर नाथ के बारे में, जो कि हमारी मदद करेंगे उसको पकड़वाने में, उसको ट्रैप करने में, क्या तुम सुनना चाहोगे। सेवन ने नॉट मतलब हाँ सर जो होता है ना हामी में सर हिला देना, नॉडेड मतलब हामी में सर हिला देना, ऐसे सर हिला देते हैं ना हाँ करने के लिए। फैक्ट नंबर वन, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। वो कहती है पहला फैक्ट, उसका नाम मिस्टर नाथ है, उसका जो फर्स्ट नेम है वो तो हमें पता ही नहीं और हमें वो ढूंढना है। मतलब नाथ जो है सरनेम जैसे होता है ना उस तरीके से है, मिस्टर जैसे नाम होता है अजय विजय, ये सब नाम नहीं है, उसका मिस्टर नाथ है और हमें उसका फर्स्ट नेम ढूंढना है। डू यू थिंक दैट्स अ रियल नेम माया, निषाद आस। अब निषाद ने कहा क्या तुम्हें ये लगता है कि ये इसका असली नाम है। प्रोबेबली नॉट आई मस्ट आई सेड, मोस्ट क्रूक हैव एन अलियास, आई एडिट अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। वो कहती है हाँ ये हो सकता है कि उसका नाम ये असली ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे ही मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना नाम ऐसे ही लगा देते हैं, इसीलिए उसने अपना नाम मिस्टर नाथ रख दिया। फिर कहती है फैक्ट नंबर टू, कहती है मैंने पढ़ा है जो टेनेंट्स है, टेनेंट्स मतलब किराएदार हैं शंकर हाउस में, वो कहते हैं कि वो पागल हैं, अजीब है और अनफ्रेंडली है। अनफ्रेंडली मतलब किसी से दोस्ताना व्यवहार नहीं है उसका। नंबर थ्री,
ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हिज मैनरलेस. वो कहती है फैक्ट नंबर थ्री ये है कि वो किसी से बात नहीं करता और वो मैनर्स लेस है, मतलब उसमें मैनर्स नहीं है. बट ही टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने उसे बीच में ही टोका और कहा कि पर उसने हमसे बात की थी माया और मम्मी बता रही थी कि वो बहुत पोलाइट है. पोलाइट मतलब विनम्र जिसे कहते हैं. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू. फिर माया कहती है उसने हमसे बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी थी, क्योंकि मम्मी उसका इलाज कर रही है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है तो उसे तो बोलना ही पड़ेगा. फिर कहती है फैक्ट नंबर फोर, उसे कोई लेटर्स नहीं मिलता. ठीक है, उसके पास कोई लेटर्स नहीं आता. सेवन नोटेड, सेवन ने सरहामी में भर दिया. नंबर फाइव, He has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. अब वो कहती है कि फैक्ट नंबर फाइव ये है कि वो शंकर हाउस में कितने साल से रह रहा है, एक साल से ज़्यादा से रह रहा है. नंबर सिक्स, he doesn't work and sit in his room all day. वो कहती है कि वो कोई काम भी नहीं करता, ठीक है, और सारा दिन अपने रूम में बैठा रहता है. नंबर सेवन, जो शंकर हाउस में बच्चे हैं एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्केर्ड ऑफ हिम. जो बच्चे हैं शंकर हाउस में और जो बड़े भी हैं इनफैक्ट वो डरते हैं उससे. मतलब जो बच्चे तो डरते ही हैं, साथ में जो बड़े बच्चे भी हैं वो भी उससे डरते हैं. नंबर एट, उसके घर में कोई नहीं आता जाता सिवाय एक आदमी के जो कि संडे को आता है लंच पे, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, फैट है, मतलब मोटा है, गोरा है और स्पेक्टिकल्स लगाता है, चश्मा पहनता है और हर संडे लंच पे आता है. उसके अलावा और कोई उसके घर में नहीं आता. नंबर नाइन, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर. नंबर नाइन फैक्ट ये है कि खाना और चाय जो है उसके रूम में कौन लेके जाता है, रमेश लेके जाता है जो कि नीचे रेस्टोरेंट में है. ही डजंट केयर व्हाट ही ईट, और वो इस चीज़ का वो नहीं करता कि भाई वो क्या दे के जा रहा है, वो बस उसका बिल दे देता है फटाफट और टिप दे देता है. और कहती है दैट एंड माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग सेवन. वो कहती है बस ये मेरी लिस्ट कम्प्लीट हो गई है सेवन, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ. निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend. निषाद ने इतनी अटेंशन नहीं दी थी मेरे फैक्ट्स की लिस्ट पे. मतलब ये कौन बोल रहा है, माया बोल रही है कि निषाद ने मेरी जो भी लिस्ट थी, जो भी मैंने फैक्ट्स की लिस्ट बताई थी, उस पर इतनी अटेंशन नहीं दी है. वो कहता है माया वो बेचारा आदमी, वो उसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला रहता है. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड, एन इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. माया जो है फिर उस पर चिल्लाती है कि क्रुक का कोई अपराधी का कोई दोस्त होता है, इडियट, एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मेड सेम ऑन संडे. फिर निषाद कहता है चलो कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो कि संडे को उसके पास उसे मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड ऑन टू मी जस्ट दैन, दैट मैन मस्ट टू बी मिस्टर नाथ कम्प्लीस इन क्राइम, आई सेड. अब वो कहती है एकदम उसके दिमाग में विचार आता है yes, कि जो मिस्टर नाथ के घर में वो आदमी आता है हर संडे को वो उसका जरूर क्रिमिनल दोस्त होगा. आई सेड ही कीप ऑल द लूट्स एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव, दैट इट इज़ आई एम श्योर आई एम राइट. वो कहती है ज़रूर वो उसे लूट का पैसा देना आता होगा, मतलब जो मिस्टर नाथ उसका पार्टनर होगा और वो हर संडे उसे आता है और उसकी लूट का पैसा उसे दे के चला जाता है, जो भी उसका खर्चा होता है मिस्टर नाथ का. वो कहती है मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे लगता है आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है कि मैं सही हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निषाद एंग्री. अब निषाद को है ना जो गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मतलब इतना तुम बोल रही हो कि वो क्रिमिनल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रिमिनल है और मैं तुमसे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूँ माया. और निषाद ने इतने गुस्से से कहा ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच इन जेनरस ट्रिप. कहता है निषाद कि वो एक बुरा आदमी नहीं हो सकता, अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है तो वो बुरा आदमी कैसे हो सकता है, और वो तुम उसे बार बार क्रिमिनल कर रही हो. रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड. अब जो है माया वो इस बात का जवाब ये देती है कि रमेश को हो सकता है रमेश उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो और मिस्टर नाथ यही सोच के उसे रिश्वत देते हो, ब्राइबिंग में रिश्वत देते हो कि वो अपना मुंह बंद रखे और उसके बारे में किसी को कुछ ना बताए. निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज
बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। अब निषाद ने ना अपने हाथ ना जैसे एक होता ना आपस में लपेट के खड़े हो जाना, सीधे खड़े हो जाते ना हम जब ऐसे कि, तो चेस्ट के आसपास क्रॉस करके रख दिया हाथों को इस तरीके से, ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दिस एटीट्यूड सेवन, आई आस्क। अब जो है निषाद ना बड़ा गुस्से में हो गया, वो फेडअप हो गया था, मतलब तंग आ चुका था इसकी बातों से। अब वो कहती है माया, अगर तुम इसी तरीके, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे अपने केस में सेवन, अगर तुम यही इन्वेस्टिगेशन में ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट मे हिम बींग एन एस्केप ग्रुप सैट सेवन, यू रियली मेक मी एंग्री। कहता है मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूँगा, तुम्हारा सहयोग करूँगा, अगर तुम मुझे एक भागे हुए अपराधी के बारे में सही से आइडिया दोगे। और वो कहता है कि तुम ना मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, उफ, आई शाउटेड। अब माया को भी गुस्सा आ जाता है, वो कम मतलब लगभग उसे मार देने वाली होती है। वो कहती है तुम मुझे ना गुस्सा दिला रहे हो, और वो चिल्लाने लग जाती है यू मेक मी मैड, तुमने मुझे पागल बना रखा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक। कहती है कि ये इतने सारे फैक्ट्स लिखने का फ़ायदा ही क्या है, अगर तुम्हें लगता है इतनी सारी इंक्वायरीज करने का फ़ायदा क्या है, जब तुम ये सोचते हो कि वो कोई अपराधी है ही नहीं, तो फिर हम क्यों बात किस बात की उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. कहती है अगर तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या ज़रूरत है उसके बारे में इतनी छानबीन करने की। निषाद लुक थॉटफुल, आईड लाइक टू फाइंड आउट वाई इज सो थिन एंड वाई इज सो लोनली। अब निषाद कहता है कि मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है और अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। वो कहती है समझने की कोशिश करो सेवन, इफ़ ही लिव्ड इन अ शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड ही हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो कहती है अगर शंकर हाउस में रहते हुए उसे एक साल से ज़्यादा हो गया और उसने अभी तक अपना कोई दोस्त नहीं बनाया, तो इसका मतलब सच में कोई गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समथिंग सम वन विल रिकोगनाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। वो कहती है ज़रूर कोई गड़बड़ है और वो डरता है इससे, इस चीज़ से कि कहीं कोई उसे कोई पहचान ना ले और कहीं हाँ कोई उसे पहचान के पुलिस के हवाले ना कर दे। मे बी नो वन ट्राई टू मेक हिम फ्रेंड विद हिम, निषाद प्रोटेस्ट। अब निषाद ने उसका बचाव करते हुए कहा हो सकता है कोई किसी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाया, कोई उसकी दोस्ती नहीं करना चाहता हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। तो वो कहती है क्यों कोई उससे दोस्ती करेगा, क्यों अपने मतलब उसके पास जाएगा, तुम्हें दिखता नहीं कि सब उससे डरते हैं। आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबर्नली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज बेस्ट फ्रेंड। कहता है मुझे परवाह नहीं है। अब निषाद ऐसे बोल देता है, वो कहता है मेरे को तो वो पसंद है और मैं उससे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी। अब माया कहती है एक क्रिमिनल को, एक क्रूक को, एक अपराधी को तुम अपना दोस्त बनाओगे, तुम पागल हो। आई से द कॉप विल टेक यू द जेल विद हिम, के सेवन तुम्हें पुलिस वाले तुम्हें भी जेल ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, कहती है तुम्हें इडियट, तुम्हें लगता है कि तुम अगर मतलब तुम उससे दोस्ती करोगे तो तुम्हें पुलिस जेल ले जाएगी और तुम ये ऐसा चाहते हो। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। अब निषाद जो है मुझे मतलब बड़े होते ना ऐसे देखना, घूर के देखना, और वो देख रहा था और फिर रूम से निकल जाता है। माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मेरी जितनी भी थ्योरी थी कि वो क्रिमिनल है लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा और वो चला जाता है। तो बच्चों यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है, मतलब यहाँ पर जो सॉरी निषाद है वो ये सोच मतलब ये जासूसी करना चाहता है कि वो इतना पतला क्यों है, इतना कमज़ोर क्यों है और उसका दोस्त क्यों नहीं है, अकेला रहता है, तो वो ये जानना चाहता है। और जो माया है उसे अलग ही एंगल में लेके जाती है कि उसका दोस्त नहीं है क्योंकि वो बुरा दिखता है और मतलब कोई उससे बात नहीं करता, तो उसने पैसे छिपाए हुए हैं। तो उन दोनों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन थी, अलग अलग थिंकिंग थी। तो ये थे हमारे नन्हे जासूस। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जरूर बेल नोटिफिकेशन जो ऑन जरूर करना, सो दैट कि जब भी मेरी वीडियोस आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय।